राधे राधे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज है महालक्ष्मी व्रत पूजा, तो जिसके लिए हम माँ लक्ष्मी जी के लिए श्रृंगार बनाते हैं जो कि बेसन से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने भी बनाया है तो सोचा कि चलिए वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने 2 कप बेसन लिया हुआ है, बेसन को अच्छे से छान लिया है और उसमें थोड़ा सा मैंने दिया है घी का मोयन। मोयन देने से ये अच्छे से बन जाते हैं और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैंने अच्छा टाइट डो लगाया है इसका। हमें इसका बढ़िया से टाइट डो लगाना है। ये बेसन अगर हाथों में चिपकता है तो थोड़ा सा तेल लगाकर आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और इनके बहुत सारे आइटम हम माँ के लिए बनाएंगे जो श्रृंगार के होते हैं, वो मैंने धीरे धीरे इनको बनाना शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, ये माँ लक्ष्मी जी का व्रत होता है और इसके लिए ये बेसन के श्रृंगार बनाते हैं। तो मैंने भी ये सबसे पहले ये मांग टीका बनाया हुआ है, कुछ श्रृंगार मैंने भी बनाए हैं जितना मुझसे हो सका। तो ये देखिए, मैंने ये मांग टीका बनाया है। और वैसे तो देखा जाए तो अगर होता है तो सुबह में उठकर ही आप उसी दिन अगर ये बनाएं तो बहुत अच्छा होता है, पर कई लोग क्या होता है कि पहले भी बना लेते हैं। पर ऐसा मैंने तो कहा जाता है कि अगर हो सके तो उसी दिन हमें बिल्कुल ताजे ही बनाना चाहिए, तो मैंने इसलिए आज के दिन ही ये सब बनाए हैं। ये मैंने बिछियाँ बना ली हैं, आप 2-4 जितनी बनाना चाहें उतनी बनाएं। और फिर ये मैंने पायल बनाई हुई है इसी तरीके से, और थोड़ा सा ये जो टूल्स था मेरे पास फोंडेंट का, उसका यूज़ किया है। तो थोड़ी सी डिज़ाइन वगैरह इसमें मैंने डाल दी हैं, जिससे कि इस तरीके की डिज़ाइन डालने से ये होता है कि अच्छे भी लगने लगते हैं। और ये जब हम तलेंगे तो इनमें अगर हम कुछ अलग से लगाते हैं, ऐड करते हैं, तो टूटने का डर रहता है, तो इसमें फिर ये टूटेंगे नहीं। तो इस तरीके से आप ये कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये छोटे से 2 झुमके बना दिए हैं मैंने, और जो ये बेसन से जो छोटे छोटे ये डिज़ाइन करके मैंने बनाए थे तो इनमें भी अच्छे से होल कर दिया है, जिससे कि ये है कि ये तलने पर निकले ना। और फिर ये लंबी सी डोर बनाकर सोचा कि थोड़ी चलिए कुछ डिज़ाइन बना लेते हैं, तो ऐसे फोल्ड करके मैंने इसको बनाया हुआ है। तो इसी तरीके से आप जो कुछ भी बनाना चाहें, बैंदी, पायल, बिछड़ी, नथ, हार और अंगूठी, और जो कुछ भी आप करना चाहें, ये इस तरीके से ये हार का सेफ दे रही हूँ। जितना भी आपसे हो सके आप माता जी के लिए श्रृंगार बनाइए। तो देखिए, इस तरीके से ये मैंने इसमें भी ये डेकोरेट कर दिया, ये ऐसे होल्स कर दिए हैं। अब इनमें आप चाहें तो कलर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और जैसे कि 16 का महत्व होता है, तो ये जो सुरा सुई होते हैं इनका भी इसमें महत्व होता है। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी लुई करके मैंने 16 ये सुरा सुरी बनाई हुई हैं बेसन की। और फिर इसके बाद थोड़ा सा सोचा कि चलिए इसमें कलर कर देती हूँ, तो मैंने ये रेड कलर से थोड़ा सा इनको डेकोरेट कर दिया है। अब हम इनको तल लेंगे। अच्छे से हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, अब सबसे पहले मैं इसकी सोरा सुरी तल लेती हूँ। तो इनको डालना है और इन सभी को हमें बिल्कुल धीमी आँच में ही सेकना है। मीडियम आँच में रख सकते हैं आप, पर हल्के सेकना है जिससे कि हमारे जले नहीं और अंदर तक अच्छे से सिक जाए। तो देखिए, इस तरीके से एक एक करके, अगर आपने ज़्यादा गहने बनाए हैं तो आप फिर 2-3 बार में तल लीजिए, ज्यादा भी नहीं डालिए कि टूटने का डर ना हो। और थोड़े थोड़े करके हमने इनको तल लिए हैं। अब इसके बाद जो मीठे सोरासुरी बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा 2 कप आटा, और इसमें मैंने दिया है मोयन। मोयन हमें इतना देना है कि हमारी थोड़ी हल्की सी मुट्ठी बंधने लगे। उसके बाद इसमें ऐड की है मैंने सफ़ेद तिल, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। गुड़ को मैंने घोल लिया था और उसको अच्छे से छान लिया है। अब हम इस गुड़ के घोल से इसको बढ़िया सा इसका भी टाइट डो बनाएंगे। तो देखिए, ये डो बना लिया है मैंने। अब इसके जो मीठे वाले सोरासुरी हैं वो बनाते हैं। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके के आइटम बनते हैं, बट हमारे यहाँ इसी तरीके से बनते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ किस तरीके से माता जी का प्रसाद बनता है। तो ये देखिए, ये भी मैंने 16 करके बना लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज महालक्ष्मी जी का व्रत है और हो सके तो उसी दिन बनाए माता जी के लिए ताज़ा सभी कुछ, और जितना भी जो कुछ हो सके तो उनके लिए बनाएं। बाकी माँ तो हमारा प्यार देखती हैं, श्रद्धा भाव देखती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।